टुडे वी डिस्कस अबाउट ओबेसिटी। आज अपन ओबेसिटी के बारे में देखेंगे। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी मतलब फैट का एक्यूमुलेशन, इंक्रीज द फैट इन द बॉडी, मतलब टम्मी के ऊपर, चीक्स के ऊपर, थाई के ऊपर। नॉर्मल से ज़्यादा जब पेशेंट मतलब ह्यूमन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको अपन ओबेस कहेंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं ओबेसिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबेसिटी मतलब एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन एट द प्रेजेंट रिस्क ऑफ हेल्थ। इससे अपने को एक्यूमुलेशन मतलब ज़्यादा जो फैट इकट्ठा होता है हेल्थ, वो हेल्थ को अपने इफेक्ट करता है, जो मोस्ट प्रिवेलेंट फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूटेड और द फील कंट्रीब्यूट ऑफ इल हेल्थ। इससे अपने और भी अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबडोमिनल फैट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओबेसिटी इज द मोर सीरियस देन गायनेकोइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जो ओबेसिटी का है वो एबडोमिनल फैट, जो एंड्रॉयड फैट की ओबेसिटी के अकॉर्डिंग अपने को पड़ता है। इसके अपने कारण देखते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। ओबेसिटी में फिजिकली नेगेटिव, मतलब जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है मतलब पीपल, उसको अपन ओबेसिटी हो सकती है। जैसे वो अपनी एक्सरसाइज नहीं करता, डेली एक्सरसाइज नहीं करता, जैसे अपने उसको मॉर्निंग में देखे, वो वेकअप हुआ, उठे मतलब पीपल उठा, उसने ब्रश व्रुश किया अपना, अपना जो फ्रेश और हुआ, फिर अपना जो नॉर्मल था वो डाइट वाइट मतलब ब्रेकफास्ट करके और अपने वर्क पे चला गया कार से। फिर वो अपने एग्जांपल के थ्रू अपने इसको समझ रहे हैं, कार के चला गया, ऑफिस में गया, ऑफिस में काम किया, वो भी सीटिंग पे काम किया, कोई वर्क नहीं किया ज़्यादा, तो ज़्यादा वर्क नहीं किया उसने। फिर वो वापस ऑफिस से जो भी फाइल वाइल का काम करके और फिर वापस देन पुट अपने घर वापस आ गया, तो वो इनएक्टिव, फिजिकली एक्टिव नहीं है। डाइट के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं, जैसे कोई हेल्थी डाइट लेता है उसमें ऑयल ज़्यादा है और भी अपने मतलब अपने को बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जो बेनिफिशियल नहीं है हेल्थ के लिए, वो अपन ने ड्रग जो कहीं ड्रग्स है वो कॉज करती है ओबेसिटी। मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। देन अपन ने इसके अंदर देखा ग्लोबली स्टेटस। ग्लोबली स्टेटस के अंदर जो अपन ग्लोबली देखते हैं, इसमें ओबेसिटी इज़ अ ग्राउंडिंग प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोबल। ये वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड वाइड द मोर देन 300 मिलियन एडल्ट आर द ओबेस अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग 300 मिलियन एडल्ट है जो ओबेस है। ओबेसिटी इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज सस्पेक्टेड ओनली बाई स्मोकिंग। स्मोकिंग सेकेंड जो लीडिंग कॉज है वो ओबेसिटी है। इसके अपने प्रिवलेंस इसके अपन देख सकते हैं कि ओवरऑल द ओबेसिटी आर द फिफ्थ लीडिंग रिस्क ऑफ द ग्लोबल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये अपने देख सकते हैं ओबेस आर द मोर देन द डाउटफुल 90, 80 एंड 200 मोर 1.4 बिलियन एडेंट 20 ईयर एंड ओल्डर एंड द ओबे ओवर वेट। जो 20 ईयर ओल्ड 1.4 बिलियन एडेंट है 2019 के अंदर, जो वर्ल्ड को रिस्क है। 2000 मिलियन पीपल आर नियरली ओबेस इन 2012 इन 40 मिलियन अंडर 5 ईयर ऑफ द एज वर ओबेस कंसीडर हाई इनकम कंट्री प्रॉब्लम। ओवरवेट एंड ओबेस आर नाउ राइजिंग द इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज पर्टिकुलर इन अर्बन सेटिंग। क्लोजली 30 मिलियन ओवरवेट चाइल्ड आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री, 10 मिलियन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर जो पीपल है वो ज़्यादा ओवेज हैं, जैसे वो ड्रिंक हैवी ड्रिंक लेते हैं और हैवी ड्रिंक लेते हैं और पिज़्ज़ा बर्गर जो ऑयली फूड है वो ज़्यादा इनटेक करते हैं। एटलीस्ट 3.4 बिलियन एडल्ट डाई ईच ईयर इन रिजल्ट ऑफ बींग ओवरवेट और ओबेज इन कंडीशन। 44% ऑफ द डायबिटीज़ बर्डन, मतलब इससे एक डायबिटीज़ का भी खतरा ज़्यादा रहता है। जो 23% ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बर्डन है, 4
टू 41% ऑफ सर्टेन कैंसर, जैसे डायबिटीज़ का खतरा होता है, इस्केमिक हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को, कैंसर हो सकता है, ये सर्टेन प्रिवलेंस है। नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ओबेसिटी, मेजर रिस्क जो फैक्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हाइपरटेंशन को हो सकता है, स्लीपिंग हो सकता है, एपनिया हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, सोशल डिसेबिलिटी हो सकता है, हाइपर रेजिस्टेंस इंसुलिनमिया हो सकता है, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाइपरलिपिडीमिया, कार्डियोवैस्कुलर, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ओबेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं असेसमेंट, अपन असेसमेंट कैसे करते हैं ओबेस पेशेंट का, जो इसको अपन ओबेस पेशेंट है उसको अपन बीएमआई के अकॉर्डिंग करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल वे यूज मेथड टू एस्टिमेट बॉडी फैट मास, इसको जो कैलकुलेट करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको वेट किलोग्राम के अंदर और हाइट है जो इसमें मीटर स्क्वायर के अंदर, पेशेंट का अपन वेट कैलकुलेट और इसको हाइट के अकॉर्डिंग अपन इसको असेसमेंट कर सकते हैं। देन अपन देखते हैं बीएमआई कितनी होगी, तब वो अंडरवेट होगा, नॉर्मल होगा, ओवरवेट होगा और टाइप वन एंड टाइप सेकेंड के अंदर। फर्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, लेस देन 18.5 अगर किसी की बीएमआई है तो वो जो पेशेंट है उसका वो अंडर वेट होगा, अगर 18.5 टू 24.9 है तो वो नॉर्मल वेट होगा, और 25 टू 29.9 है तो वो ओवरवेट होगा, 30 है और 30 से 34.9 है तो वो क्लास वन ओबेसिटी के अंदर आएगा, और 35 टू 39.9 है तो वो क्लास टू ओबेसिटी के अंदर आएगा। ये अपन ने देखा बीएमआई का क्लासिफिकेशन, इसमें अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, टाइप वन और टाइप टू। देन अपन देखते हैं इसके अंदर वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस द वेस्ट साइज इज क्यूब, वेदर योर हाई रिस्क ऑफ द टाइप टू डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज, टू मेजर द वेस्ट सर्कमफ्रेंस यूज द टेप मेजर, इसको मेजर करने के लिए अपने को एक टेप मेजर चाहिए, टू स्टार्ट द टॉप ऑफ द हिप बोन, जो इसको स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ द हिप बोन, देन ब्रिंग द टेप मेजर टू ओवरऑल अराउंड द बेली बटन, इसको टेप को पीछे से कवर करते हुए अपने बेली फैट तक लगा लेंगे तो इसको जितना मेजर करेंगे उसको अपन मीटर स्क्वायर देख सकते हैं। देन अपन देखते हैं फॉर द बेस्ट हेल्थ वेस्ट शुड बी मेजर नो मोर देन 14 इंच और 102 सेंटीमीटर फॉर द मैन एंड 30 इंच और द 88 सेंटीमीटर फॉर द वुमेन लेस देन। देन अपन देखते हैं वेस्ट हिप रेशो, जो मेल के अंदर कितना होना चाहिए और फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए, वेस्ट हिप रेशो इज द रेशो टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेस्ट टू डेट ऑफ द हिप, ठीक है, मेजर सिंपली जो स्मॉलर सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द नेचुरल वेस्ट टू अबव द बेली बटन, द हिज सर्कमफ्रेंस मेजर टू वाइडल पार्ट ऑफ द मेजर, इसमें जो जेंडर दिया गया, रेशो दे रखा है जेंडर, इसके अंदर मेल देखते हैं एक्सीलेंट के अंदर लेस देन 0.85 और गुड के अंदर 0.85 टू 0.89, एवरेज इसमें 0.90 से लेकर 0.95, एट द रिस्क ऑफ ए ग्रेटर देन एंड लेस देन 0.95। फीमेल के अंदर अपन देखते हैं लेस देन 0.75 एक्सीलेंट है, गुड के अंदर 0.75 टू 0.79, एवरेज में अपने देखते हैं इसमें 0.80 से लेकर 0.86 और लेस एंड ग्रेटर देन 0.86। देन अपन देखते हैं इसको अपन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर अपन देखते हैं जो वेट कंट्रोल वाइडली डिफाइन, इसको कैसे कहें, अप्रोच मेंटेन बाय द हेल्थी पीपल नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स 18.5 टू 14.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर थ्रू आउट द एडल्टहुड, WHO एक्सपेक्ट कमेटी 1995 should be include prevention and weight gain more than 5 kg in the people who are the all are overweight, reduction of the 5 to 10% body weight is recommended initial goal। इसमें कहने का मतलब है जो बॉडी का हेल्थ वेट है इसको बॉडी मास इंडेक्स के दौरान 80.55 से थ्रो आउट द एडल्टहुड द एक्सपेक्ट WHO कमेटी का जो उसमें वेट गेन हो रहा है 5 kg इन ऑल पीपल, इसमें जो 5 to 10% है वेट जो रिकमेंडेड इनिशियल गोल अपने को उसको कम करना है। प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी शुड बी ईयर हु चाइल्ड ओबेसिटी इज द हार्डर टू टीटर एल्डर, कंट्रोल ओबेसिटी सेंटर वेट रिड्यूशन और द अचीव बाय द डायरेक्टली चेंजेस इनिशियल एक्टिविटी कंबाइंड ऑफ गोल। इसको अपन देखते हैं इसमें क्या क्या अपने चेंज कर सकते हैं, इसमें डाइटरी चेंजेस अपने कर सकते हैं,
इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर। इसमें अपन देखते हैं होल कंट्री के अंदर डाइटरी चेंजेस अपने देख सकते हैं। जो पेशेंट है उसको अपने एक्सरसाइज बता सकते हैं, उसका डाइटरी चेंज कर सकते हैं, इन फिजिकल एक्टिविटी उसको बढ़ा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसको बॉडी वेट जैसे अपने को कैलोरी जो 16 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, जैसे लेबर है तो वो हार्ड वर्कर है तो उसको 300 टू 320 किलो कैलोरी पर डे उसको रिक्वायर होती है, ठीक है। इसको अपन सिक्स मतलब डाइट को अपने जो अपने को जो वाटर है उसमें जीरो कैलोरीज होती है तो अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपन पिए तो अपने का वेट इंटेक नहीं हो, मतलब अपना वेट नहीं बढ़ेगा। जो वेजिटेबल है सलाद सूप है उसको अपन हेल्थी डाइट बता सकते हैं। फ्रूट खाएं तो अपने को इतनी वेट कैलोरीज इंटेक नहीं होगी, इस हिसाब से अपने वेट कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।